सब लोग की मैं शक्ल देख रही हूँ सब अपनी हंसियाँ रोक रहे हैं और मुझे रोना आ गया और सहरा साहब ने मुझे फर्स्ट टाइम डांटा था इतने सारी कॉम्प्लीमेंट्स देने के बाद हम नेटफ्लिक्स देखते हैं सिर्फ <laughs> वो भी अब खुदा और मोहब्बत अस्सलाम वालेकुम दिस इज़ राबिया मुकनी यू आर वॉचिंग मी ऑन मैगजीन आज मेरे साथ जो मेरी मेहमान है स्टूडियो में उनको आपने मुकद्दर में देखा उससे पहले मेरा रब वारिस में देखा और भी बहुत ढेर सारे ड्रामों में देखा जिनके सबके नाम मुझे याद नहीं है लेकिन आजकल हम उन्हें देख रहे हैं खुदा और मोहब्बत थ्री में मेरे साथ हैं शामीन खान अस्सलाम वालेकुम शामीन वेलकम सलाम राबिया हाउ आर यू बिल्कुल ठीक मैंने आपका नाम सही प्रोनाउंस किया बिल्कुल सही प्रोनाउंस किया शामीन है। है। नहीं शामीन यस yes. यस yes. <laughs> बिल्कुल क्योंकि मुझे वो एक कंफ्यूजन हो रही थी कि एच आ रहा है डू यू नहीं डाला लेकिन फिर भी ह का प्रोनाउंसिएशन नहीं ले ले असल में मेरा नाम काफ़ी यूनिक है लेकिन hmm. इसकी सिमिलैरिटीज बहुत ज़्यादा है yeah, true. तो hmm. शामी बहुत मैंने आज तक अपनी लाइफ में सिर्फ दो लोगों का पर्सनली लड़कियों को देखा है जिनका नाम शामी है hmm. लेकिन शामी शमीम शाहीन काफी yeah. लोगों का नाम होता है तो उससे मिल के ना तो अब मुझे तो आदत हो चुकी है कभी कोई शमीम मैं बहुत जब मैं बहुत ज्यादा किसी के साथ मुझे काम करना होता है मैं उसको करेक्ट करवाती हूँ अगर मुझे सिर्फ दो दिन किसी के साथ काम करना है तो मैं कहती हूँ ठीक है जाने दो इट्स ओके मतलब क्या आपके नाम का इसका नाम है बुलंदी इसका hmm. मतलब है बुलंदी हाइट ऊंचाई को पसंद करने वाला यू वांट टू रीच द टॉप द हाइट इंशाल्लाह आई एम ट्राइंग माय बेस्ट आई लव अभी हम कैमरा ऑफ कैमरा भी बात कर रहे थे कि मुझे जो है ना

भी लोग इतना पसंद करें और मैं इतनी खुश हूँ hmm. कि इतना चैलेंजिंग कैरेक्टर मेरे लिए जो पंजाबी मुझे नहीं आती बोलनी yeah. समझ भी मुझे बहुत कम आती है और मेरे लिए इतना चैलेंजिंग ये कैरेक्टर था तो मैं जब खुदा और मोहब्बत शुरू हो गया उसके बाद मैं मोम कंटिन्यूसली आस्किंग मी तुम कब आ रही हो ड्रामे में <laughs> तुम कब आ रही हो मेरे दोस्त और जिन सारे लोगों को पता था कि मैं खुदा और मोहब्बत करी सब वो कि तुम कब आ रही हो तुम कब आ रही हो खैर मैं भी बहुत ज़्यादा डरी हुई थी जब तक ऑनियर नहीं हुआ था कि लोगों को पसंद आएगा कि नहीं आएगा क्योंकि एवरी एवरी पर्सन आई नो सब खुद और मुह्बत देख रहे हैं yes. ट्रू so, ये प्रोजेक्ट की रीच ही एक डिफरेंट रीच है वो एक पुराने ज़माने में नहीं जब पीटीवी पे ड्रामे आते थे तो सड़कों पे सनाटा हो जाता था और हर कोई वो ड्रामे देखता था इसकी ना ऑब्वियसली आजकल का ज़माना एक डिफरेंट है लेकिन इस ड्रामे की भी रीच उसी एक लेवल की है बिल्कुल सही कह रही है कि चाहे वो अमीर हो या अ, अ, अमीर तो खैर मैं नहीं बोलूँगी ऑब्वियसली चाहे वो अपर क्लास हो लोअर क्लास हो या कोई मिडिल क्लास हो एवरी सेकेंड पर्सन वाचिंग दिस ड्रामा क्योंकि हर किसी की अपनी अपनी चॉइसेस है mm -hmm. मेरे अपने फ्रेंड्स हैं जो वो कहते हैं नहीं और हमें ड्रामा नहीं पसंद और हम नेटफ्लिक्स देखते हैं सिर्फ <laughs> वो भी अब खुदा और मोहब्बत देख रहे <laughs> हैं तो इस ड्रामे की रीच एक वो डिफरेंट वाली mm -hmm. है तो जब स्क्रिप्ट आया आपके पास तो क्या सोच के हाँ बोली थी ऑब्वियसली जब आपका एक कैरेक्टर की करेक्टर uh, की लाइफ छोटी हो लेकिन उस कैरेक्टर को डिफाइन फ्रॉम स्टार्ट टिल एंड किया जा रहा हो तो दैट दैट इज़ समथिंग कि आपने गेस्ट अपेयरेंस से आपकी स्पेशल अपेयरेंस थी तो जब मुझे इन्होंने बुलाया सेवन स्काई प्रोडक्शन में मुझे फ़ोन आया और उन्होंने बोला कि इस तरह से हम ड्रामा करें खुदा और मोहब्बत उसमें आपको हम कास्ट करना चाह रहे हैं तो आप आ जाए yeah. मैं आई वॉज़ लाइक आउट ऑफ लाइक नो वेयर मुझे इतना अच्छा प्रोजेक्ट की कॉल आ रही है और yeah. मैं बहुत खुश उसी से पहले मैंने अभी इनके दो प्रोजेक्ट और किए थे yeah. uh, मेरा रब रबारिस और मुकदर yeah. और uh, भरोसा प्यार तेरा माशा सारे बहुत वेल नोन और रिग्नइज्ड ड्रामा yeah. सारे गए तो मैं बहुत खुश थी और मुझे जब खुदा और मोहब्बत से कॉल आई तो मुझे बड़ा अच्छा लगा मैंने कहा ओके दिस टाइम आई थिंक दिस इज़ माई टाइम अब मेरा टाइम आ गया और तो खैर मैं गई ऑफिस गई तो वहाँ हम बैठे मैंने हुसैन सर आए जो भी डायरेक्टर है हुँ. तो वजह सर आए तो बैठे और उन्होंने मुझे बताया कि उन्होंने मुझे डिस्क्राइब करना शुरू किया कैरेक्टर अब मैंने सुना तो वो सुनते ही ख़त्म हो गया और मैंने कहा कि ये मतलब इसमें कुछ था मतलब जब उन्होंने डिफ़ाइन भी किया ना मुझे तो वो हुँ. एक कैरेक्टर बेसिकली अगर मैं आपको भी अभी नारेट करूँ तो आपको हुँ. भी समझ नहीं आएगा कि यार एक लड़की है उस घर उस हवेली में काम करती है उसके माँ बाप भी नहीं है उसको लेके भी पाला हुआ है और वो काम करती है और वो बस ये है हाँ यही करेक्टर है अब मैं सोच रही हूँ मैंने कहा यार ये कैरेक्टर है मतलब मेरा क्या परफॉर्मेंस मार्जिन है मेरा क्या होगा तो वो जब मैंने क्वेश्चन किया तो वो डायरेक्टर साहब ने मुझसे बोला कि वो है ओके okay. वो मैं मैं शायद बता नहीं पा रहा हूँ लेकिन आप स्क्रिप्ट पढ़े जो जो आपका कंसर्न है ना परफॉर्मेंस मार्जिन का कि यार मेरा मार्जिन किधर है मैं परफॉर्म कहाँ करूँगी और अगर ऐसा करेक्टर है तो आप फिर यू हैव अ लॉट ऑफ ऑप्शन तो लेकिन स्पेसिफ़िक मुझे भी बुलाया हुआ है और मुझे समझ नहीं आया था आई जस्ट गॉट सो कन्फ्यूज उन्होंने बोला कि अब बस आपको नरेट ये है लेकिन आप स्क्रिप्ट पढ़ें फिर आप सोचें तो और उन्होंने मुझसे कहा कि मैं चाहूँगा कि आप करें ओके okay. ये भी कहा तो मेरी से इतनी बात हुई वजह तो सर से मेरी मुलाकात हुई और वो चले गए फिर मेरी प्रोडक्शन uh, में मैं बात कर रही थी तो मेहरुनसा खान वहाँ पर होती हैं मैं उनसे बात करी तो उन्होंने कहा बेटा आ, हमेशा उन्होंने मुझे हमेशा बहुत अच्छे कैरेक्टर्स ऑफ़र किए हैं सो शी इज़ द लेडी आई आई स्टार्ट इन माई वर्क जब से मैंने काम स्टार्ट किया तब से mm -hmm. मैं इनके mm -hmm. साथ काम कर ही रही हूँ तो उन्होंने बोला बेटा मैं कह रही हूँ कि करो तो अच्छा है तुम पढ़ लो घर जाओ आराम से पढ़ लो फिर हमें बता देना कोई मतलब ऐसी बात नहीं है मैंने बोला सही है स्क्रिप्ट ली तो स्क्रिप्ट इतनी सी <laughs> एक के बाद एक एक के बाद एक स्क्रिप्ट इतनी सी अब जहाँ मुझे प्रोजेक्ट की इतनी नहीं स्क्रिप्ट हमें मिल रही हो हाँ। जिधर पूरी पूरी, पूरी कंपाइल्ड फाइल आपको मिल रही है कि ये आपके 50 एपिसोड्स 30 एपिसोड्स की स्क्रिप्ट yeah. है वहाँ मैं लेकर आ रही खुदा और मोहब्बत थ्री के ड्रामे की इतनी सी स्क्रिप्ट मुझे समझ नहीं आया क्या हो रहा है अच्छा खैर मैं घर गई घर जाने के बाद सबसे पहले मैंने स्क्रिप्ट खोली स्क मैं पेन लेके बैठी हूँ और मैंने स्क्रिप्ट खोली और मैं पढ़ना शुरू हुई हूँ अच्छा मैंने पढ़ा पढ़ने के बाद मुझे समझ के ये समझ में आया कि ये कैरेक्टर है क्या ऑब्वियसली okay. आप अगर सुनेंगे और अगर आप किसी और को भी बताएंगे तो आपको नहीं जब उसके सीन्स मैंने पढ़े डायलॉग्स सीन्स इंटरेक्शन विद अदर को स्टार्स और उसकी एक अपेयरेंस उसकी एक तैयारी ऑब्वियसली uh, काम करने वाली है अगर वो घर की रखवाली करने वाली है hmm. केयर टेकर है वो घर की तो वो तैयार नहीं होती hmm. एक नॉर्मल होती है लेकिन वो लड़की एक डिफरेंट लड़की है hmm. वो एक भावलपुर में uh, रहने वाली वहाँ पे एक, एक बहुत ही बड़ी हवेली को संभालने वाली एक वहाँ की रहने वाली एक लड़की है hmm. मतलब उसको आप नौकरानी भी नहीं कहेंगे उसको आप अपर क्लास भी नहीं कहेंगे वो एक नॉर्मल एक आम आवाम की तरह एक लड़की है सो hmm उसके सीन पढ़े मैंने सीन पढ़ने के बाद उसमें एक डायलॉग था झल्ला हो गए थे और उसके मर्जी मज़े की चीज़ें हैं बहुत uh -huh. ज़्यादा तो मुझे बहुत पसंद आया ओके okay. अच्छा उस मोमेंट तो मैंने सोच लिया कि ये कैरेक्टर मैं कर रही हूँ आई विल डू देट बट आफ्टर दैट मैन आई स्टार्ट गेटिंग टेकिंग एडवाइस फ्राम माई अदर फ्रेंड्स एंड पीपल हु आर वर्किंग द सेम इंडस्ट्री तो दे वाइक लाइक यू नहीं तुम क्या नौकरानी का करेक्टर कर रही हो तो बड़ा ड्रामा है ये होता है तुम्हें नहीं पता स्टूडियो हो जाते हैं सब थप्पा yeah. पड़ जाएगा <laughs> <laughs> जो कि हो जाता yeah. है कभी कभी शूट था सारा भावलपुर में yeah. यहाँ पर शूट था ही नहीं शूट yeah. भावलपुर में था भावलपुर जाने अच्छा मैं आई लव ट्रैवल तो और मुझे ज़्यादा मज़ा आता है जब आप काम के लिए ट्रैवल करते हैं तो एवरीथिंग इज ऑन प्रोडक्शन हाउस सही बात है आप आराम से जाते हैं काम करते हैं और मज़ा भी आता है जगह भी घूमते हैं चीज़ें होती हैं आप काम करते हैं तो मैंने कहा यार दिल तो चाह रहे है करने का फिर कुछ लोगों की मतलब फ्रेंड्स की ही और सबसे एडवाइस लेने के बाद मुझ मैं डबल माइंडेड हो गई एडवाइस करने के बाद फिर भी एनीवे anyway, मेरी दोस्त है उसने मुझसे कहा कि नहीं यार तुम करो अगर अच्छा करेक्टर तुम्हें hmm. करेक्टर कैसा लग रहा है मैंने कहा करेक्टर अगर मैंने परफॉर्म कर दिया hmm. तो करेक्टर तो फिट है yeah. उसने कहा तो बस सही है तुम जाओ तुम करो बाई नॉट मैंने बोला सही है ओके मैं गई और मैंने परफॉर्म किया उसके बाद ऑनियर हुआ और अब ये यू कैन सी द द रिस्पांस आई एम लाइक लाइक सो थैंकफुल पीपल पीपल आर आर लाइकिंग इट एंड मेरी अब मैं कोई आम पिक्चर भी पोस्ट करती हूं तो उसमें yeah. सब लोग मेरे डायलॉग झल्ला झहना हुए थे <laughs> इन जी और इतना प्यार मिल रहा है मुझे लोगों से mm. ये मुझे अच्छा ये मेरे साथ फर्स्ट टाइम हो रहा है ऑब्वियसली ओके कि मेरे किसी कैरेक्टर को हमेशा क्योंकि कभी कभी ज्यादातर मेरे नेगेटिव कैरेक्टर्स लोगों ने ज्यादा उसको अप्रिशिएट किया तो वो एक तारीफ डिफरेंट थी क्योंकि वो वैसी तारीफ हो रही थी कि आप इसका घर क्यों कहा कर रही हैं मेंशन <laughs> हो रहा है वो हाँ, आप हाँ। बहुत बुरी हैं आप इसका घर क्यों तोड़ रही है वो आपकी वजह से इतना रो रही थी उसका दिल इतना टूट गया आपने उसको धक्का दे दिया <laughs> तो मुझे ना वो, आ, वो वैसा रिस्पांस मिलता था प्यार वाला मुझे इतना रिस्पांस अभी तक मिला नहीं था लेकिन अभी जिस तरह लोग इतना प्यार कर रहे हैं और कमेंट कर रहे हैं तो मैंने सोचा हुआ है कि सारी कमेंट्स को मैं कंपाइल करके एक बहुत अच्छी सी वीडियो बनाऊंगी फॉर माय फैंस हु आर लविंग एंड हु आर सपोर्टिंग मी एंड हु आर डेफिनेटली द पीपल आर स्पेशली जो कि मुझे मेरे कैरेक्टर से और इस कैरेक्टर से तो मैंने उनको सारे कंपाइल करके उनको मुझे एक वीडियो बना के अपने फैंस के लिए करनी है पता है जब आपको पहले हमने देखा तो वो पता नहीं क्या था कैरेक्टर में आपकी एक्टिंग में इट्स लाइक like, हम वी फॉल इन लव विद यू

फिफ्टी परसेंट होता है तो फिफ्टी परसेंट आपका भी एक मेहनत होनी चाहिए कि डायरेक्टर ने आपको बता दिया कि देखिए पंजाबी बोलेगी ऐसी ऐसी है खुली डुली सी है बात बड़े जोर से बात करनी है उसको और किसी से डरती नहीं है और बड़ी अपने में ही है वो हीरोइन एक हाँ। तो ये तो अपने में एक हीरोइन है कि मैं भाई कुछ क्योंकि ऑब्वियसली वो प्यारी सी लड़की है एक भावलपुर में एक ही वो भाईवेली में तो जो पर्दा नहीं करती जवान लड़की <laughs> जो पर्दा भी नहीं करती हाँ चीखती रहती है वो पर्दा कर लो ये भी लोगों को ये भी मुझे था अच्छा तो उसको क्यों नहीं पर्दा कराया बाकी जब घर वाले करें तो सिर्फ ये चीज़ सिर्फ घर की लिए क्योंकि ये ऑब्वियसली शायद वहाँ जब इस तरह के हवेली में और इतने बड़े बड़े आ, महलों में जो रहने वाले लोग होते हैं उनके पास नौकर बचपन से ही होते हैं और जगती पुश्ती नौकर चल रहे होते हैं जैसे कि दादा नौकर थे फिर दादा के बेटे नौकर हुए फिर इस तरीके से तो ये भी लड़की का कैरेक्टर वो है कि बच्ची पली बड़ी ही है ओके okay. तो वो सबसे फेमिलियर है और वो फेमिलियर है ऑब्वियसली उसको घर के काम भी करने होते हैं और उसको ऑर्डर्स भी, तो भी लगाने होते हैं उसको ड्यूटीज़ भी लगानी होती हैं तो वो लड़की ऐसी है कि उसको कोई मसला नहीं है नहीं। नहीं। अब हाँ उनकी उन, उनकी जो अपनी एक बेटियाँ हैं उनकी अपनी जो लोग हैं वो ऑब्वियसली वो उन मर्दों के साथ इंटरेक्शन करती ही नहीं है तो वो उनसे पर्दा करती हैं ओके तो आई थिंक ये इनका सेंस था कैरेक्टर को डिफ़ाइन करने का तो मुझे बहुत मज़ा आ रहा है और अभी एक दो सीन्स मेरे रहते हैं yeah. जो कि अभी आएंगे जो इंटेंस होंगे वो इंटेंस हैं वो है। बहुत मजे के सीन्स हैं अच्छा ये बताएँ एक्सेंट कैसे किया पंजाबी तो बोलती नहीं है आप hmm. है ना कभी बोली है जिंदगी नहीं है। कभी तो भी कितनी प्रैक्टिस की और डायलॉग डिलीवरी में कैसे मसला होता था ये इस तरह होता था कि कुछ मेरे फ्रेंड्स हैं जो लाहौर में हैं अच्छा और मुझे अभी भी याद है शेर यार मेरा बहुत अच्छा दोस्त है एक ही इज़ अ मॉडल एज वेल तो उसको मैं पूरी उसकी पंजाबी बहुत इंग्लिश okay. भी बहुत अच्छी है और उसकी पंजाबी भी बहुत अच्छी है उर्दू में वो वीक है तो उसको मैं पूरा <laughs> पूरा पूरा डायलॉग लिख के भेजती थी और मैं कहती थी कि ज़रा अपनी बिल्कुल तो जो तुम्हारी ठोस पंजाबी है तुम तो इसमें बोल के मुझे भेज दो वॉइस नोट ओके okay. वो भेजता था और फिर मैं उसको अपने तरीके से करके okay. फिर मैं करती थी और ऑब्वियसली mm. डायरेक्टर साहब ने मुझे बहुत हेल्प आउट किया तो मैं जब भी कोई प्रॉब्लम होता था तो वो मुझे ही ऑलवेज लाइक हाँ कोई मसला नहीं है ये है इसको इस तरह करना है इसको इस तरह करना है लेकिन वो रवानी में तो थोड़ा सा आता होगा जब बोल हाँ, फिर वो असल में जाता था तो, तो, तो थोड़ा सा मैं रटा लगा नहीं, नहीं। थोड़ा मैं लगा याद कर लो ये और इसको अपने तरीके में ले तो ये अच्छा बन जाएगा फिर मैं बोल के दिखाती थी जब को तो वो ओके कर देते थे बस डायरेक्टर ने ओके कर दिया तो ऑल ओके पूरी ड्रेसिंग जो है सजल की वो भी बड़ी स्पेसिफिक है जी उस पर कैसे काम किया वो आपका आइडिया था या आपको कैरेक्टर ऐसे ही मिला था मुझे सारा अली ने अली शहजाद मेरा पूरा वॉर्ड्रॉफ बनाया और डायरेक्टर की पूरी इसमें डिस्क्रिप्शन जो दी थी वो डायरेक्टर साहब ने दी थी हाँ मुझसे उन्होंने okay. पूछा था कि इस इस तरह हम बना रहे हैं आपके फ़्रॉक्स होंगी मेरी और वजाहत सर की काफ़ी दिनों तक हमारी वॉड्रॉप पे भी बातें होती रही पिक्चर्स okay. भेजना रेफरेंसेस भेजना तो हम मुझे वो उन्होंने ही बोला ज़्यादातर उन्हीं का दिमाग है सारी वॉड्रॉप mm -hmm. पे एंड आई लव्ड इट मुझे बहुत अच्छा लगा मैं क्या सही है बिल्कुल ठीक है चूड़ीदार पजामे पहनना yeah. और फ्रॉक्स और डिफरेंट और शूट करना कैसा था कि देर और खुला दूर दूर तक कोई बिल्डिंग नहीं है कहीं हवा नहीं रुक सकती कहीं से oh और सारे मेरे आउटडोर oh. के सीन है बाहर सुबह सुबह के नो और वो तो बड़े खूबसूरत उन्होंने और वो हाँ। क्योंकि फोक आनी वो नेचुरल फोक है हाँ। वो नेचुरल स्मोक आया हुआ है तो उसको आपको उस कैप्चर करने के लिए बड़ी जल्दी उठना पड़ता होगा जल्दी उठते थे कभी कभी ऑब्वियसली जब सुबह का सीन है तो जल्दी उठना है तैयार होकर बैठना है लेकिन सब कुछ ठीक है मैं आठ बजे भी तैयार हो जाऊंगी सर्दी सर्दी जो भी कराची था। था। वालों को कराची वालों को जिनको जरा सी उस पर सर्दी लग जाती नहीं एक्चुअली पता है सर्दी तो सर्दी वहाँ पे हमारी यहाँ पे सर्दी होती है इतनी हवा नहीं चल रही होती शुक्र है वहाँ पूरा महल है खुला महल है और, और वहाँ पे सिर्फ हवा चल रही है और इवन हम जब बाहर खड़े होते हैं तो मुझे अभी तक याद है मेरा और फिर उसका सीन था रात को और हम बाहर खड़े हैं और हम लाइट हो रही है सब हो रही है तो हवा जो थी ना वो एक डायरेक्शन पे चल रही थी इस तरफ तो थोड़ी देर बाद मैंने सीन किया उसके बाद जब मैं अंदर आई हूँ तो मेरी पूरी ये साइड ना ऐसा लगेगा नम्ब हो चुकी है इतनी हवा और इतनी सर्दी और कॉटन के कपड़े हाँ सीन से सीन के बाद तो फ़ौरन पहन लिया कोट पहन लिया सॉक्स पहन लिए वजह सर मुझे बोलते थे कुछ तो पहन लो तुम अब मैं कहती थी यार मैं अगर सॉक्स पहन लूँगी तो मैं कंफर्टेबल नहीं होंगी yeah, अपने yeah. करेक्टर को लेकर तो मैंने काफ़ी इस चीज़ पे सफ़र किया बट इट टर्नड आउट सो गुड एंड आई एम हैप्पी के पेबैक मुझे बहुत अच्छा मिला डूइंग वेरी वेल फिरोज इज अ वेरी गुड फ्रेंड हाउ एंड ही सपोर्टेड मी सो मच और हमारी बहुत रिलीजियस टॉक होती थी सेट पर और बहुत ज्यादा बातें हम करते थे फिरोज हैज अ वेरी लाइक ही हैज़ अ सो मच नॉलेज इन लाइक रिलीजियसली उसको बहुत नॉलेज है तो फिरोज एंड मी हैड अ वेरी गुड कॉन्वर्जेसन अबाउट एवरी थिंग हम रोज़ाना बैठते थे बात करते थे फिर सीन में इस्पेशली तो जहाँ भी मैं मैं नहीं भी बोलती थी बट ही वॉज ऑलवेज देयर टू हेल्प मी आउट ओके वेरी गुड लाइक ओ आर्टिस्ट इस बारे में मैं लगी हूँ कि मुझे हमेशा yeah. सारे आर्टिस्ट मैंने सबके साथ काफी अच्छे अच्छे आर्टिस्ट के साथ काम किए और yeah. सब मुझे बहुत सपोर्टिव मिले नॉट इवन मेल्स फीमेल्स भी तो yeah. so, uh, फिर एक मेरा सीन था इकरा के साथ एक दो सीन मिला I mean, कम है आपके ना फिर फिर बिकॉज वो कैरेक्टर उसके साथ लिंकअप करा था इकरा के साथ मेरे ख्याल से दो सीन हैं और

सारा चाय का सामान भी साथ था उनके oh God. <laughs> टिपिकल वो पाकिस्तानी वाली ट्रेन का डब्बा था। अच्छा पता है क्या हुआ हुआ ये कि फ्लाइट कैंसिल हो गई oh. और हमारा पहुंचना बहुत जरूरी था लेकिन वेदर इश्यूज की वजह से फ्लाइट का फोक था mm. तो फ्लाइट का था कि और भी कैंसिल हो गई तो हिना आपा और हिना बयात और रूबी नापा ने बोला कि ट्रेन में चलते हैं हम एयरपोर्ट में ही थे मैंने देखा मैंने अपने मैनेजर को देखा हमने देखा हमने कहा चलो चलते हैं कोई बात नहीं अब नहीं है तो काम तो करना है यार और जब इतने बड़े आर्टिस्ट मेरे सामने इतनी सीनियर एक्ट्रेसेस मेरी हुँ, वो कह रही है, कि हम जाने है तो मैं तो नहीं कह सकती थी और हमारे दो पूरे जो ट्रेन के वो होते वो सारे दोनों भरे हुए थे तो मैंने बोला चले मुझे यूनिस भाई की कॉल आई कि अब हम ट्रेन में हैं मैंने कहा जी जी सही है अच्छा मैं I go with the team, के हाँ टीम जैसे जा रही है it's okay, कोई मसला नहीं है हालांकि मुझे पता था कि मेरा काम एक दो दिन डिले हो सकता है ज़्यादा नहीं नहीं था काम मैंने कहा मैं और हम पूरे रास्ते इतना हमें मजा आया खाना इतना अच्छा हमें ट्रेन में मिला और हम गए और इतनी बेतहा बातें और इतना हमने गए थे बोला

पर्दा कर लो और राइट अच्छा अब पर्दा कर लो बोलना किस तरह है ठीक है वहाँ से आना है और वहाँ बस कोई आदमी खड़े हुए होंगे और आपने आके उनको बोला पर्दा कर लो पर्दा अच्छा समझ ही नहीं आ रहा मैंने कहा यार जाने दो <laughs> जैसा भी हो रहा है पर्दा कर लो अभी जो भी अच्छा मैंने फ़र्स्ट टेक दिया उसके बाद रीटेक नहीं हुआ तो मैंने बोला ओके तो उन्होंने बोला हाँ ठीक है मैंने किसी तरह बोला कहना हाँ इसी तरफ सही है तो ये पर्दा कर लो इस तरह हुआ इस तरह हो गया कि वो आ रही हैं और आप पर्दा कर लो तो ये एक स्टोरी इसके पीछे तो जब ये ले रही थी प्रोजेक्ट बिकॉज इट्स ह्यूज यू नो इतना ग्रैंड प्रोजेक्ट है ना सिर्फ़ के प्रोडक्शन के हवाले से कास्ट इतनी बड़ी है ट्रैक इतना पड़ता है ये फैमिली उस फैमिली में इतने लोग और ये सब फिर यू नो माशाल्लाह से वो जो पूरी फौज दिखाई है वो ही इतनी बड़ी है उसमें चार तो उसमें कैरेक्टर्स हैं यू नो इन इट्स सेल्फ तो तब दिमाग में आई नो कि देर इज मार्जिन यू नो कैरेक्टर ने भी एनी चोज एट दिमाग में ये नहीं आ रहा था एक खदशा नहीं था कि कहीं ऐसा ना हो कि मैं इतनी बड़ी कास्ट में घुमा हो जाऊँ घुम हो जाऊँ मेरा कैरेक्टर घुम हो जाए नहीं बिल्कुल इस तरह, इस तरह से मैंने सोचा था और ऐसा था कि ये बात डिस्कस की थी आपने डायरेक्टर से या नहीं ये मैंने डिस्कस नहीं किया था okay. ये लेकिन ये मेरे दिमाग में बात थी जो आपने की yeah. है मैंने यही सोचा था कि यार इतनी बड़ी कास्ट और yeah. बेहतरीन परफॉर्मर्स तो ये, इस चीज़ ने ना मुझे जब मैंने सोच यही तेरे कुछ रीजंस yeah. की जिस वजह से मैं डर रही थी yeah. कि यार कहीं इस तरह ना हो आया और निकल गया yeah. फिर मैंने सोचा अगर ये भी हो गया तो चलो ठीक है देख लेंगे रिस्क लिया है मैंने वैसे तो मैंने कहा यार कोई मसला नहीं है Hmm. करना मेरे ऊपर है और इसमें जान डालना मेरे ऊपर है मेहनत मैं करूँगी इसका hmm. फल ऊपर वाला मुझे दे देंगे yeah. तो हाँ रिस्क रिस्क जब मैंने वो ही वाली बात आ गई ना कि जब इतने बड़े आपने कैरेक्टर्स है ना कि खुशबू सोलो लीड था वो yeah. और अमृत माया बाकी और भी काफ़ी प्रोजेक्ट्स तो उसके बाद मैंने सोचा यार इसमें क्या करना है मुझे जो मैं आ, वो इतने रिकग्नाइज नहीं हुए hmm. कि लोगों को इतने पसंद आए हुए या लोगों ने इतनी बात की उसके बारे में ये इसमें इस क्या हो जाएगा फिर मैंने सोचा यार चलो ठीक है अगर कुछ भी नहीं हुआ एटलीस्ट शामीन तुम सीख लोगी कुछ ओके okay. और कुछ नहीं तुम बहुत कुछ सीख लोगी ऑब्वियसली एक डिफरेंट सेट है डिफरेंट डायरेक्टर है डायरेक्टर साथ बैठ के है. आप टीम डिफरेंट है उनके साथ yeah. बैठ के आप थोड़ी बातें ही कर लो आपको कितने उनके एक्सपीरियंसेस के बारे में पता yeah. चलता है तो मैंने कहा लेट्स गो फॉर दिस वे और दैट वे

क्योंकि वो फरहाद भाग रहे हैं माही के पीछे लेकिन माही नहीं मिल रही है इधर सचल भागी की फरहाद के पीछे जो डोंट नो के मिलेगा या नहीं मिलेगा तो वो तो हम आगे आके देखेंगे आई डोंट वांट टू डिस्क्लोज द स्टोरी बट वो एंगल थोड़ा सा मुझे लग रहा है इधर भी है नहीं वो है बिल्कुल है जब आ, आ, इसको इस, आ, इस करेक्टर को भी एहसास होगा कि मोहब्बत इस कैरेक्टर को भी नहीं मिली तो आ, उसके पीछे गिरी अभी एक दो सीन अभी आने जो कि बहुत इंपॉर्टेंट सीन्स होंगे वो मेरे कैरेक्टर का पूरा समा हो, हो रहा होगा okay. उसमें तो उसमें भी यही एलिमेंट दिखाएंगे okay. और इसी को ही फॉलो किया उन्होंने तो ये है इसकी ट्रिकल ट्रिकल डाउन इस इस रिलेशनशिप में भी आएगी हाँ बिल्कुल तो फरहाद दिल तोड़ेगा या सजल फरहाद की उसका साथी बनेगी माही तक जाने के लिए क्या hey सज्जल तो क्या रास्ता चूज करने वाली है कुछ हमें हिंट मिलेगी या नहीं मैं चाहूंगी क्योंकि बहुत ही सा करेक्टर आ? है तो इसको आप लोग खुद ही से देखें ठीक है कुछ क्योंकि बहुत शिफ्ट है अचानक से इसका शिफ्ट है और बहुत मजे का आप लोग को आई होप कि पसंद आएगा क्योंकि वो ऑब्वियसली वो लड़की ऐसी है सजल लड़की के वो समझती है कि वो एक बहुत सिंपल लवर है उसके अंदर वो चला नहीं है और वो मोहब्बत को ना वही समझती है कि मोहब्बत एक इंसान जब दो मिल लोग मिल जाते हैं तो आपकी मोहब्बत बढ़ती है और जब मैं इसको ये अगर मुझसे नहीं कह रहा कुछ तो मैं ही बोल देती हूँ okay. और मैं ही पहल करती हूँ हर चीज़ नहीं, की नहीं, नहीं। नहीं। लेकिन वो इतनी मासूमियत में कर रही है कि जब उसको वो मोहब्बत के लिए आगे एक कदम बढ़ाने का सोचेगी तो फिर उसको पता चलेगा कि मोहब्बत में ज़रूरी नहीं है कि आपको वो ही शख्स मिले

और हम एक ही कैलेबर के दोनों लोग हैं तो ऑब्वियसली जब मैं इसे बोलूँगी कि हाँ, हाँ, हाँ मैं तुम्हें पसंद करती हूँ या मैं तुमसे प्यार करती हूँ तो मुझे लगता है कि वो मान ही जाएगा अच्छा बढ़िया एक मजे की बात हुई है अभी आपसे मैं बात करी हूँ तो मुझे रियलाइज हो रहा है अभी ये डिस्कशन चल रही है कि माही ने फरहाद को धोखा दिया एंड मिस गाइड किया है एवरीथिंग और मैं ये कह रही कहूँ माही ने तो सिर्फ उससे दोस्ती की थी अब अगर देखा जाए तो फरहाद ने भी सजल के साथ यही किया है कि वो थोड़ा सा उसको अटेंशन देता है उससे बात करता है तो अब अगर हम ऑडियंस उसी लॉजिक को अप्लाई करें तो फरहाद सजल को गलत डायरेक्शन तो नहीं दे रहा ना वो सजल समझ रही है नहीं एक्चुअली वो नहीं उसमें तो उसने जो फ़रहाद का कैरेक्टर है जिसने उसने मुझे इस तरह से किया कि हाँ ठीक है प्रॉब्ली कि मैं इसे अगर बात बात करता ऑडियंस तो exactly. ah, कर समझ रही है hmm, hmm. वो भी क्योंकि माही कैरेक्टर जो वो माही का कैरेक्टर है उसको वहाँ से जो दिखाया गया है उसको पहले ही पता था कि मेरी लाइफ में मुझे क्या करना है बिल्कुल क्योंकि उनकी खानदान में कोई भी एक ही मतलब एक ही

लड़कियों से नेगेटिवली नहीं उनसे नहीं। पूछते इसलिए नहीं है क्योंकि वो इस बात को बड़ी एक अंडस्टुड एक चीज़ बनाई हुई है कि अगर मेरी बेटी है और मेरी बहन है तो वो मेरा ही सुनेगी लेकिन वो कभी ये नहीं जानने की कोशिश करते कि आम, कोई आपका आपकी बहन या आपकी बेटी कुछ और भी करना चाहती है उसका और भी इंटरेस्ट हो सकता है इंसान है ऑब्वियसली तो आई थिंक वो फैमिली उस तरह दिखाई है तो माही ने भी मैं अब देखें जहाँ बात मैंने जो सीन देखा लास्ट जिसमें वो कहती है कि मेरी तरफ से कुछ भी नहीं है ऐसा। बिल्कुल बिल्कुल जहाँ उसको मौका मिला वहाँ तो उसने बोल दिया ना बोल so, तो अगर इस तरह से उसको खेल ही खेलना होता है या उसको तो ऑबियसली अगर वो इस करेक्टर पर भी सिचुएशन भी ऐसी चल रही है सो मे बी मे बी अच्छा ये बताएं फ़िरोज़ से क्या सीखा आपने अगर आप एक चीज़ बोलें कि मैंने फिरोज से सीखी तो क्या हेल्पिंग यू डों नीड टू बी आपने आपको पता भी है कि यहाँ पे मैं इसकी हेल्प कर सकता हूँ और आप ना करें क्योंकि hmm. आप एक सीनियर हैं और आपका एक नाम है डाउन टू अर्थ ही इज़ अ वेरी डाउन टू अर्थ पर्सन और

सेट पे बैठे हुए हैं आपने पूछा लाइंस कर अच्छा लाइंस करते हैं तो दिस इज़ समथिंग वेरी गुड मुझे बहुत अच्छा लगा मुझे लगा डर था कि यार मेरे इतने सारे सीन्स हैं फिर उज़ के hmm. साथ मैंने कभी काम नहीं किया और आ, क्या होगा क्या क्या होगा, होगा अगर मैं तो वैसे ही मैं बहुत डर जाती हूँ फ़ौर <laughs> तो मैंने कहा अगर कुछ हुआ तो मैं तो पता नहीं क्या होगा बट मुझे लगता है कि फिरोज़ ने जब हुआ ना हाँ सेट पे हमारे रेडी हो गए अच्छा जी आप कैसी हैं इस तरह करके बात किया अच्छा ठीक है अच्छा नैपा से आपने पढ़ा हुआ है मैंने कहा जी और फिर मैंने बोला आए चलो लाइंस करते हैं लाइन की तो लाइन करते हुए बहुत अच्छा बहुत अच्छा जब hmm. तो ये चीज़ ना मेरी जैसी आर्टिस्ट अगर मेरे जैसे एक्टर जो हैं जो जूनियर हैं hmm. उनको ये चीज़ बहुत मोटि, मोटिवेट करती है That's That's बहुत good. मोटिवेट करती है तो वहाँ मेरा कॉन्फिडेंस भी डेवलप हुआ hmm. वहाँ मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप अ, जब जाएँ ओबली मैं इन फ्यूचर अगर मेरे साथ मैं मुझे कोई अगर इस तरह का कोई कोई आर्टिस्ट होगा जो नया है लड़की या शामीन के पुराने टाइम का ओके okay. <laughs> जब नापा में छुप छुप के अम्मा से आपने hmm. एक्टिंग की क्लासेस लेना शुरू की नहीं 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 अम्मी से छुपके नहीं की अच्छा अम्मी से छुपके नहीं की थी लेके गई नहीं लेकिन वो तो कही थी ना डायरेक्शन कर लो फिर आप ये डायरेक्शन तो हाँ, नहीं पता हाँ, था कि मैं एक्टिंग डायरेक्शन छोड़ के आपने कहा कि नहीं मुझे एक्टिंग मैंने जब अपना इंटरमीडिएट किया और ऐसा करते हैं मेरे पास शायद सही इंफॉमेशन हुई हम शामीन को ही बताने ठीक लेते हैं कि उनकी क्या कहानी थी क्या हुआ मैं जल्दी जल्दी शॉर्ट में बताती हूँ तो मैंने इंटर किया इंटर के बाद मैंने कराची यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया बी ए बी कॉम में ओके पार्ट वन मेरा शुरू हो गया और यूनिवर्सिटी में जाने लग गई तो यूनिवर्सिटी में एडमिशन जब हुआ तो उसके बीच में यूनिवर्सिटी स्टार्ट नहीं हुई थी यूनिवर्सिटी के बीच में सिक्स मंथ्स की एक वेकेशन आती हैं गैप आता है यूनिवर्सिटी mm -hmm. में एडमिशन जाता है फिर आप सेलेक्ट होते हैं सारी चीज़ें मेन वाइल हमारे आ, एक फैमिली मैंबर ने बोला कि आप नैपा जाओ नैपा में ना मैं कुछ करना चाहती थी कोई कोर्स करना चाह रही थी okay. कुछ इस तरह से करना चाहती थी कि कुछ सीख लूँ बट एवॉर्डिंग तो दिमाग में थी उस वक्त कभी भी नहीं थी अच्छा मतलब क... बचपन में भी कभी नहीं सोचा कि मैं ये करूँगी नेवर मैं आई वाज अ वेरी सुपर एक्टिव स्टूडेंट इन माय स्कूल लाइक वेरी ब्राइट स्टूडेंट फंक्शंस में भी पार्टिसिपेट करना है और ड्रामा uh, फंक्शन में कोई हो रहा है तो उसमें भी पार्टिसिपेट करना yeah. है और uh, कोई भी एक्टिविटी हो रही है ठीक है शामिन जरूर पार्टिसिपेट करती तो बचपन से मैं थी तो बहुत हाइपर एक्टिव और बहुत ही कि मुझे हर चीज़ में इन होना है लेकिन एक्टिंग का कभी सोचा नहीं था क्योंकि मेरे पूरे ख़ानदान में कोई दूर दूर तक एक्टिंग में नहीं है yeah. ना एक्टिंग में ना सिंगिंग में ना किसी चीज़ और किसी भी चीज़ में नहीं तो आ, मैंने कभी सोच मेरा दिमाग ही नहीं गया था ऐसा yeah. नहीं था कि घर में मना करेंगे नहीं जाओ ऐसा नहीं करोगे ऐसा नहीं था लेकिन मेरा कभी दिमाग नहीं गया yeah. नैपा का उन्होंने मुझे बताया मैं नैपा गई तो उन्होंने बोला नहीं 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 टी वी नहीं है सिर्फ थिएटर दिख सिखाते हैं और बड़ा मज़े कर मैंने कहा यार मैं तो भाग जाऊँगी मैं अम्मी ने कहा चलो देख लो कर लो हाँ। तो मैं कुछ कोर्स करना है यहाँ जाके मैं नैपा गई मैंने नैपा की बिल्डिंग देखी तो बिल्डिंग बड़ी आर्टिस्टिक और बड़ी मज़े की बिल्डिंग मुझे लगी हाँ। मैंने कहा हाँ ठीक है वहाँ मैं गई तो मुझे एक एडमिशन पीस मिला जो आपको पूरा याद करना होता है और बग़ैर देखे उसको परफॉर्म करना था एक हफ़्ते के बाद अच्छा ये टेस्ट लेते ये टेस्ट लेते मुझे तो पता और है फिर आपका एडमिशन होता है मुझे भी कितनी चीज़ें तो पता चल रही हैं ओके okay. तो आ, मुझे एक आ, मिला शेक्सपियर का कोई ड्रामा था उर्दू ट्रांसलेटेड शेक्सपियर ने लिखा था वो मुझे मिला और मैं लेके घर चली गई एक हफ़्ते के बाद मैं वापस आई फुल तैयारी किया हुआ याद किया हुआ है और बस याद इस तरह किया हुआ है कि बस बग़ैर देखे बोलना है और थोड़ा सा एक्ट कर लेना है जो भी करना है मैं एग्ज़ाम रूम में जब गई तो सामने पाँच छः चेयर्स लगी हुई हैं और सब बैठे हुए हैं उसमें जया महुदुद्दीन गॉड जैन अहमद अंजुम अयाज साहब राहत काजमी और साहब और uh, एक मेरे ख्याल से मैम उजमा या मैम कुलसुम थी शायद कोई एक फीमेल थी hmm. तो ये सारे लोग अच्छा मैंने जिंदगी में इनको ना कभी देखा नहीं था अच्छा यू आपने इनको ड्रामे नहीं देखे थे? नहीं देखे थे तो आपको पता, नहीं था पता पता नहीं 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 था 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 तो वो भी रियलाइज लेकिन मैंने नाम सुना हुआ था क्योंकि उन्होंने पहले बताया कि ये तो अम्मी नो हो साहब होंगे वो तो इतने बड़े एक्टर हैं और ये सारी चीज़ें अच्छा मैं गई तो मुझे सारे बड़े डिसेंट और इतनी अच्छी पर्सनैलिटी सब की मुझे देख के इतना अच्छा लगा मैं गई सबको सलाम किया तो उन्होंने बोला जी आपका नाम क्या है मैंने नाम बताया क्या आपकी हॉबीज़ हैं थोड़ी सी है? तो मैंने अपना इंट्रोडक्शन कराया उन्होंने बोला आप याद करके आई हैं जी <laughs> याद मैंने कर लिया है शुक्र है इस मामले में अलहदुल्ला लाइन्स के मामले में मुझे लाइन्स याद हो जाती हैं अच्छी है तो उन्होंने बोला ठीक है चले स्टार्ट करें मैंने स्टार्ट किया और मैंने बस कुछ भी नहीं किया मैंने उसी को बोलते बोलते मैं इधर गई हूँ थोड़ा सा उधर गई हूँ और एक जगह रुक गई हूँ और आ, मैंने फिर उनको पता था उन्होंने बोला कि नहीं वेरी गुड ठीक है आप जाएँ हम आपको फ़ोन करेंगे hmm. सही है मैं आ गई वापस अमीन का कैसा हुआ अच्छा सारी चीज़ें अमीन को बताई मैंने कहा ठीक है वापस गए नेक्स्ट डे मुझे फ़ोन आ गया कि आपका एडमिशन हो क्या इस डेट से क्लासेज स्टार्ट हैं आप आ जाएँ तो सर मेरा एडमिशन हुआ और उसके बाद नैपा में ही मैं बैठी हुई थी मेरी फिक्शन की क्लास थी जो से साहब लेते थे तो अजरा मोईुद्दीन जो अजरा आपा mm -hmm. अजरा आपा नैपा ही नहीं थी काफ़ी आर्टिस्ट नैपा आते थे yeah. तो उन्होंने मुझे देखा yeah. मैंने बोला बेटा आप तो बड़ी प्यारी सी हो और एक्टिंग करो कि ड्रामे में yeah. मैंने बोला जी ड्रामे में अच्छा सही है ठीक है क्योंकि yeah. मुझे पता था अम्मी कुछ नहीं कहेंगी वो फैमिली में सब है कि कोई मसला नहीं है करना है कर लो मैंने बोला जी सही है उन्होंने मुझे बताया उन्होंने मुझे नंबर दिया अगले दिन मैं सेट पे गई वहाँ पे सकीना सुमो थी डायरेक्टर hmm. और घोरे अब हम ड्रामा कर रहे थे वो लोग hmm. कर रहे थे तो मैंने सोचा सही है मैंने उनको उन्होंने मुझसे ऑडिशन लिया मैंने ऑडिशन दिया और उन्होंने कहा ओके okay. मुझे डेट्स मिली मुझे बजट बताया ये उस वक्त कुछ पता नहीं था मैंने कहा जी ठीक है अच्छा कैमरा फेयर मुझे इसलिए नहीं है क्योंकि मैं थिएटर करती हुई आ रही थी डेढ़ साल से तो अच्छा डेढ़ साल हो गया था यू यूड थिएटर

मैम सादिया होती थी वहाँ पर उन्होंने हमें इम्प्रोवाइजेशन और ये सारी चीज़ें सिखाई हैं मैम कुलसुम ने हमें आ, स्क्रिप्ट की डिस्कशंस और एक करेक्टर की डेप्थ और एक करेक्टर को कंस्ट्रक्ट करना ये सारी चीज़ें हमें उन्होंने सिखाई हैं राहत काजमी साहब हमें थ्योरी पढ़ाते थे थिएटर कैसे शुरू हुआ एक्टिंग कैसे शुरू हुई ये सारी चीज़ें कैसे में इजाद में आई तो हमें राहत काजमी साहब वो पढ़ाते थे अंजुम एक्टिंग पढ़ाते थे खालिद अहमद हमें एक्टिंग पढ़ाते थे, थे। बहुत ही अमेजिंग डेढ़ साल का वो टाइम पीरियड मैं कभी भूल ही नहीं सकती अपनी लाइफ में hmm. बहुत कुछ सीखा तो मतलब उसके बाद फिर वापस नहीं गई आप यहीं पे <laughs> मैं नहीं जा रही बोरिंग कराची ये, ये एक ट्विस्ट था <laughs> जिसमें थोड़ा सा इसमें मेरे घर में मसला हुआ था कि ये क्या कर रही हो ठीक है जो करना है कर लो लेकिन बेटा पढ़ाई बट आई नो माई सेल्फ मैं ना अच्छा मुझे ये होता है कि एक चीज़ मुझे समझ में आ गई ना तो, तो, तो मेरी दिन रात उस चीज़ में लग जाते हैं आई एम नॉट आई एम अ वेरी और कंसिस्टेंसी और बहुत है मेरे अंदर और मैं कभी भी डाइवर्ट नहीं होंगी मुझे पता हो जाएगा हाँ ठीक है ये करना है ओके okay. तो मुझे ना वो चीज़ समझ आ गई थी ओके और मैंने बोला अम्मी देखें ये अच्छा है मुझे करने दें ट्रस्ट करें आप बेफिक्र हो जाए तो वो फिर बी कॉम अभी तक बेचारा वो बीच में कहीं फंसा हुआ है नापा <laughs> का कंप्लीट किया था या डेढ़ साल बाद नापा भी हा, हा, हाफ हाफ ओके एक्टिंग में यू वेंट टू स्टार्ट मुझे ड्रामा ऑफर oh, yeah. आ गए थे फिर आई वाज नॉट आई वाज ट्राइंग टू मैनेज माय क्लासेस और फिर शूट yeah. वो मैनेज नहीं हो सका yeah. उसके अलावा फिर मैंने ये भी देखा कि डेढ़ साल के बाद जो मेरा नापा छोड़ने का रीज़न हुआ वो ये कि मुझे लग रहा था कि बस uh, वो एक थिएटर है थिएटर को समझ लिया ये एक स्क्रीन है ये एक डिफरेंट चीज है कहीं मैं फंस ना जाऊं ओके okay. तो मैंने ये सोचा या तो मैं फिर थिएटर को टाइम दूं और डेढ़ yeah. साल मजीद mm -hmm. क्योंकि तीन mm -hmm. साल का डिप्लोमा होता है mm -hmm. या तो फिर मैं अभी डेढ़ साल काम ना करूं या yeah. फिर ऑब्वियसली वो थोड़ा शैतान ने बहका दिया अट्रैक्शन <laughs> हुई अट्रैक्शन हुई ऑब्वियसली रिकग्निशन ऑब्वियसली वो मुझे वो इतना अपील की वो चीज कि और अच्छा वो फिर बजट अच्छे उनके ऑब्वियसली शूट वो एक स्टारडम आपका फिर वो मुझे ज़्यादा अट्रैक्ट किया तो मैंने कहा कि राहत का मुझे अभी भी याद है लास्ट टाइम जब मैं अपनी दे रही थी फ़ाइनल की सर मैं आप कंटिन्यू नहीं कर सकती सर ने बोला नहीं हम चाहेंगे कि आप रुकें मैंने कहा सर ये तो है लेकिन शैतान नहीं। नहीं था। नहीं। <laughs> नहीं। <laughs> जो किस्मत में लिखा होता है वो होता है मुझे लेकिन मुझे रिग्रेट नहीं है उसके बाद हमने ये सुना था कि जो हमारे टीचर्स थे जो मुझे पढ़ाते थे उनकी जगह पास आउट ने ले ली थी ओके okay. तो वो change जो हो हाँ चेंज हो गए थे टीचर्स भी चेंज हो गए थे, तो मैंने अच्छे वक्त में I उसी टाइम पे, नॉन टीचर से काफी कुछ सीख लिया मोयुद्दीन एंड राहत काजमी आई I मीन mean, मैं तो yes. सिर्फ पढ़ रही थी जब मैं आपके बारे में पढ़ रही थी ना लाइक आई आई एम एम सो सो जेलस एंड कैसा काजमी से बहुत बहुत एक्सपीरियंस है का एक वाइब अलग है अब मुझे नहीं पता क्योंकि मैंने टू थाउजेंड टू थाउजेंड थर्टीन मैंने पास आउट मतलब अपने आप वहाँ से मैंने छोड़ दिया था तो अब कैसा है मुझे नहीं पता उस टाइम मैपा की वाइब टीचर्स की वाइब हम क्लास के बाद भी सर से दस दस मिनट घरों के बातें सिर्फ बात और मैं सिर्फ देखती रहती और सुनती रहती थी उनके एक्सपीरियंसेस उनकी क्लास उनका बात करने का तरीका वो एक बहुत डिफरेंट था कोई कोई इंसिडेंट सुना सकती है राहत आजमीन के साथ या के साथ उन्होंने कुछ कहा कुछ उन्होंने बताया राहत सर तो थ्योरी पढ़ाते थे वो तो बड़ी अच्छी क्लास होती थी उसमें कोई एक्टिविटी नहीं होती थी तो हम बैठ के पढ़ते थे जिया साहब के साथ मैं एक थिएटर करी थी बहुत बड़ा थिएटर था वो खुद डायरेक्ट कर रहे थे उसको एनआजी का प्ले था मर्चेंट ऑफ वेनिस अच्छा उसमें पोशा एक कैरेक्टर है वो मैं बनी थी ओके और वो कैरेक्टर राबिया uh, मैं आपको नहीं बता सकती ढाई ढाई पेज क्या एक डायलॉग ओह गॉड एंड दिस इज़ अ थिएटर यू डू यू कैन नॉट टेक अ सेकंड टेक यू कैन नॉट हैव अ मार्जिन टू मेक एनी मिस्टेक नो उन्होंने बोला ये आप करेंगी मैंने कहा जी ठीक है सर मैं इतना खुश इतना खुश मैंने कहा ये सही आप डायलॉग हाथ में नहीं आए जब तक डायलॉग हाथ में नहीं आए और uh, मैंने कहा सही है सर और सबको पता चल गया नैपा में ओ माय गॉड शामिन को आई हुए इतना सा टाइम हुआ हुआ है वो एन आर टी का प्ले करिएया hmm. साहब उसको डायरेक्ट कर रहे हैं तो दैट वाज अ ह्यूज थिंग फॉर मी एंड ऑब्वियसली वो ऐसी ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ आपको ना बहुत अवेल करना राइट टाइम पर बड़ा जरूरी होता है yeah. तो मैंने बोला सही है अब मैंने करना शुरू किया मुझे सया साहब ने इंस्ट्रक्शन दी मैं हील्स नहीं पहनना आती थी मुझे उस वक्त ओके सारी जिंदगी हील्स पहनी थी शूज पहनते थे फ्लैट्स पहनते थे उन्होंने बोला हील्स पे आपने ना वॉक करनी पूरे नैपा में क्योंकि वो लड़की पूरे ड्रामे में हील्स पहनी हुई है ओ गॉड कितनी छोटी-छोटी चीजें ढाई घंटे का, का प्ले था हां 2 आवर्स एंड 30 मिनट्स प्ले विदाउट एनी ब्रेक अच्छा उसमें एक और भी इसमें मर्चेंट ऑफ तो वेनिस में एक और आता है कि ये जो लड़की पोर्शा होती है वो वकील बनके ना अपने लवर को छुड़ाने जाती तो yeah. मैं लड़का भी बनी थी उसमें <laughs> मैंने मस्टैचेस लगाए थे mm. हैट पहनी थी इट वाज गोल्डन टाइम अब मुझे मुझे सुन के ये हो रहा है तो आपको कितना मजा आ रहा है याद करके वो टाइम अच्छा एक दफा क्या हुआ था कि ज़ेया साहब को ना मुंह पे जब बाल आते ना वो उनको पसंद नहीं होता था ओके किसी लड़की के मुंह पे एक्ट करते हुए बाल नहीं आने चाहिए अब मैं एक दिन साइड पे जोड़ी के, में स्टाइल अपनी तरफ से दूसरा तीसरा दिन था रिहर्सल का और अच्छा जिया साहब की बात सबसे अच्छी ये थी कि वो कॉम्प्लीमेंट आपकी कोई चीज़ भी अच्छी लगेगी ना हाँ. वो भर के आपको कॉम्प्लीमेंट कर देंगे ठीक है हाँ. फॉरन आपको कॉम्प्लीमेंट करेंगे हाँ. कि ना दिस इज़ लुकिंग सो नाइस इतना बढ़िया हस्ती है और लेकिन हाँ. वो इस तरह के तो हमेशा ना वो बहुत अच्छे थे लेकिन वो आपको उसी टाइम पे अगर उनको पसंद नहीं भी आ रहा होगा भी बोल तो वो भी वो उस वक्त बोल देते थे तो बहुत अच्छी पर्सनैलिटी है मैं तो अपने आप को द लकीस्ट वन मैं समझती हूँ कि मैंने उनसे पढ़ा mm -hmm. उसके बाद मैंने साइड की चोटी बनाई और मैं हरसा पे पहुँच गई अब वो पता नहीं क्या हुआ रहा था मुझे तो नहीं आ रही थी मुंह पे बाल सर को शायद मेरा फेस नहीं नजर आ रहा था घर mm -hmm. से पता नहीं क्या था मैं एक्ट किए जा रही हूँ और अचानक से सर आए हाउ मैनी टाइम्स आई हैव टोल्ड नो ये वो इसके बाद उन्होंने मेरी चोटी पकड़ी और पीछे और पीछे कर दी वो बेचारी टेढ़ी भी बनी हुई थी वो आधी टेढ़ी यहाँ पर अजीब सी सब लोग की शक्ल देख रही हूँ सब अपनी हंसिया रोक रहे हैं हाँ। और मुझे रोना आ गया हो हाँ। मैं वही खड़ी रही इस तरह बहुत उस वक्त बिल्कुल भी और सेहरा साहब ने मुझे फर्स्ट टाइम डांटा था इतने सारे कॉम्प्लीमेंट्स देने के बाद तो मैं यूं खड़ी हुई और डर के और ना अचानक से ना वो बस्ट आउट होना नहीं होता मैं रोने लग गई और आंसू आने लगे फिर सर ने कहा ओ हो हो तो रोने लगी नहीं नहीं इट्स ओके ऐसा नहीं होता ऐसा नहीं होता फिर उन्होंने ऑफ कर दिया उन्होंने कहा रिलैक्स हो जाए फिर मैं मुजमा आई वो उनको उन्होंने कहा होगा तो वो उन्होंने मुझे बताया कि काम डाउन किया उन्होंने ऐसा कुछ ऐसा, ऐसा, ऐसा नहीं, नहीं है डर गई थी मैं बिल्कुल नहीं थी उन्होंने कहा डांट कैसे पड़ गई मुझे और मैं नैपा में बड़ी ब्राइट स्टूडेंट थी सब मुझे बहुत पसंद करते थे इवन आज तक मेरे जो सरमानी है मुनवर चाओ जो कथक सिखाते थे उनसे मैं आज तक कॉन्टैक्ट में हूँ वो एक वाहि पूरे नैपा में एक ऐसे बंदिर जिनके साथ मैं कॉन्टैक्ट में हूँ अच्छा आई मीन इतना मतलब माशाल्लाह से इतना अच्छा टाइम इतने अच्छे लोगों से सीनियर आर्टिस्ट आपने किया आपका करियर भी बहुत वो है एंड एज यू सेट के कहीं ऊपर कहीं नीचे कभी मेन किया कभी साइड कर किया लेकिन कभी कभी ख्याल नहीं आता कि मेरा इतना एक्सपीरियंस मैंने इतना लर्न किया है मुझे कॉन्स्टेंटली लीड पे कैरेक्टर्स मिलने चाहिए नहीं, नहीं। कभी ख्याल आता है कि थोड़ी ज्यादा होगी या नहीं आ, मुझे लगता है अब ऑब्वियसली जो काम आ रहा होता है उसमें से मैं देखती हूँ कि कौन सा करने वाला है कौन सा नहीं करने वाला तो डिपेंड करता है कि काम आपके पास आ क्या रहा है तो इसमें मुझे लगता है एक आपकी एक आर्टिस्ट की लग भी होती है कुछ एक्टर्स ऐसे हैं राबिया माशाल्लाह इतने लकी हैं कि उनको उनके राइट टाइम पे राइट कैरेक्टर मिला hmm. जो उन्होंने वो परफॉर्म किया yeah. और उसके बाद दे मेड देर नेम hmm. तो आई थिंक सो कि मैं uh, मेरी थोड़ी लक अभी शायद काम नहीं करी तो मुझे एवरीबडी नोज इट मेरे बारे में सब जानते हैं इंडस्ट्री में कि ये परफॉर्मर बहुत अच्छी है हाँ. और लड़की बहुत अच्छी है सबसे uh, सब जानते बट आई थिंक मैं भी उस चीज़ का उस मोमेंट का वेट कर रही हूँ hmm. कि शायद वो एक मोमेंट मेरा मकसद ये नहीं कि मैं कॉन्स्टेंट एक हिरोइन और एक कॉन्स्टेंट एक लीड एक्ट्रेस और वो रोने वाले कैरेक्टर्स या वो बिल्कुल सीधी सादी एक लड़की hmm. मुझे ना एक अपने आप कुछ जिससे मैंने अपने आप को एक कंसीव किया हुआ है आई वॉन्ट टू बी आर्टिस्ट एन आर्टिस्ट आई डोंट वॉन्ट टू बी अ एक सेलिब्रिटी होती ना वो एक सेलिब्रिटी yeah, so ही, ही है hmm. एक इफ़ आई एम ना आर्टिस्ट तो मुझे एज अ आर्टिस्ट मैं अपने आप को बहुत अच्छी तरीके से मोल्ड कर सकती हूँ yeah. तो मुझे ये लगता है हाँ ऑब्वियसली uh, चीज़ें कुछ ऐसी हो जाती हैं कि आप कभी कभी कहीं कास्ट होए हैं और आप नहीं अचानक से आपको hmm. मना कर दिया और कभी आपको कभी यहाँ भी हो गया कि आपको वाटर uh, पर आप मेरा मैंने रेडी करवा लिया और मुझे मना कर दिया कि hmm. आपने करी hmm. कुछ और कोई और, और कर रहा है तो ऐसा भी हुआ है तो बस ये चीज़ें चल रही है। इसको तो है? हैं इसको मैं कैसे डील करती हूँ आप ऐसी चीज़ को जब ये होता है हाउ मतलब यू फील इट या अब वो होता है ना कभी कभी कुछ लोग होते हैं पहली बार हुआ दूसरी बार हुआ फील बार हुआ तीसरी चौथी बार, बार कहते हैं यार अच्छा आदत हो गई है एंड एज यू सेट मेरा ने? टाइम आएगा मेरा टाइम आना है यू यू बिलीव इन इट आपका क्या एटीट्यूड है आप मेरा कुछ भी एटीट्यूड नहीं होता इट्स ओके कभी कभी इस तरह भी होता है कि आपको किसी ने कास्ट किया अच्छे कैरेक्टर के लिए कास्ट किया और फिर गायब हो गए वो लोग फिर आपको कॉल आ रही है कि उसमें आप स्पोर्टिंग या सेकेंड लीड कर दें तो आप फिर कहते हैं यार ये मतलब ये कुछ समझ नहीं आता था ऑब्वियसली मुझे नहीं।, नहीं।, नहीं समझ में आता कि क्या रीज़न है क्या नहीं है नहीं। लेकिन नहीं। नहीं। हाँ अब मैं इजी होती हूँ उस बात को ठीक ठीक कोई मसला नहीं है इट्स ओके okay. कोई आपने हार्श ग्रजेस नहीं रख लिया मैंने कि अच्छा ठीक है इसने इस तरह किया मैं इस प्रोडक्ट प्रोडक्शन के साथ काम ही नहीं करूँगी ऐसा मैं नहीं करती इट्स ऑल राइट दूसरा ये आई थिंक दूसरे का शायद उस वक्त उसका शायद नसीब अच्छा चल रहा है सही बात या वो है। उसके लिए लिखा हुआ है वो शायद मेरे लिए नहीं लिखा हुआ मुझे ये लगता है इन सारी चीज़ों से कि मुझे पॉजिटिव रहना बहुत ज़रूरी है बिल्कुल क्योंकि आप अगर नेगेटिव होंगे इन सारी चीज़ों को लेके तो आप कहीं के भी नहीं रहेंगे फिर सही बात है बिल्कुल आपको पॉजिटिव होना बहुत ज़रूरी है फिर लेट्स वेट फॉर योर टाइम इट्स ओके तो चीज़ें होंगी चीज़ें आएंगी और जिससे ये एक छोटा सा कैरेक्टर सब पसंद कर रहे हैं कोई yes, बड़ा कैरेक्टर आई एम आई एम मेरी दुआएं और मैं बिल्कुल यकीन रखती रखूँ कि इससे आपके लिए और बहुत रस्ते खुलेंगे इनशाला लोग आपको इंशाला। इंशाला। एक नई डिफरेंट लुक में देख रहे हैं इन बट आपको क्या लगता है इसका क्या सोलूशन है इस चीज़ को ये जो आपकी तरह और भी बहुत से आर्टिस्ट इस चीज़ को फेस कर रहे होंगे आपके दिमाग में कभी आता है कि ये चीज़ हो जाए इंडस्ट्री में तो शायद ये चीज़ कम हो और ज़्यादा ज़्यादा लोगों को चांसेस मिले या ज्यादा राइटफुल लोगों को चांस मिले मे बी ऑडिशन कंपलसरी हो जाए कुछ दिमाग में अभी कभी सोचा, आप कहती मुझे है आप मुझे कुछ भी समझ में नहीं आता ऑब्वियसली प्रोडक्शंस अपना पैसा इन्वेस्ट कर रहे होते हैं तो वो अपना बिजनेस देख रहे होते हैं uh, दूसरे कुछ ऐसे आर्टिस्ट हैं जो कि बहुत ही uh, उनको स्क्रीन पे आने का इतना शौक होता है कि वो कहते हैं कि ठीक है हम हमें कुछ नहीं भी मिल रहा हमें स्क्रीन मिल रही है उनको स्क्रीन की इतनी डिमांड होती है तो जैसे कि नए बच्चे जो होते हैं वो ज़्यादातर उनको अपील कर रहा होता है स्क्रीन पे आना वो स्क्रीन के लिए कहते हैं ठीक है अगर बजट नहीं भी मिल रहा है तो ओके तो वो राज़ी हो जाते हैं प्रोडक्शन कभी कभी ये चीज़ भी देख लेती है ओके okay. ऑब्वियसली और टैलेंट हमारे पास ऑब्वियसली जब आपके इस सोशल मीडिया का एक आरा आ चुका है yeah. मैंने जब शुरू किया था तब इंस्टाग्राम नहीं था तब टिकट नहीं था स्नैपचैट नहीं था फेसबुक था उस वक्त लेकिन फेसबुक ही था एक जो चल रहा होता था फेसबुक के थ्रू कोई काम नहीं करता था लेकिन आजकल आपकी एप्लीकेशन से आप लोग लिटरली पीपल आर अर्निंग सो वेल गुड अमाउंट ऑफ मनी दे आर अर्निंग थ्रू एडवर्टाइजमेंट थ्रू ब्रांडिंग कोलेब्रेशन एंड एवरी तो आ, लोग जो है ना मुझे ये लगता है कि राइट च्इस करना इस वक्त सब सब ना बहुत ज़्यादा आ चुका है okay. इंडस्ट्री में hmm. Hmm. और बहुत अचानक से बहुत ज़्यादा टैलेंट बहुत ज़्यादा लोग

अच्छे वाले हैं वो ऑब्वियसली वो उनका इस तरीके से स्टेटस मेंटेन हो चुका है कि वो अब एक एक लो लेवल पे जाके काम नहीं कर सही कर सकते ट्रू और जो नीचे वाले हैं उनको ऊपर ही आना है तो मुझे लगता है कि मैंने अपने आप को एक सही कैलकुलेटेड बैलेंस एक्टर बना के इंडस्ट्री में उसको मूव कर रही हूँ काम मिलता रहेगा और मुझे तो आगे जाके भी अगर मैंने अभी भी कुछ लीड्स कर लिए उसके बाद आगे जाके भी मुझे ऐसा कोई कैरेक्टर लगा जो कि मुझे प्ले करना है तो वो मैं तब भी करूँगी आपने बहुत ही अच्छी बात कही है थैंक यू मैं बहुत अच्छी बात की मैंने इस पॉइंट से नहीं सोचा था एंड आई रियली लाइक सेड एंड मैं भी इसको अपने काम में अप्लाई करने की कोशिश करूँ yeah. मिडल में रहना चाहिए कि ऊपर इतना भी नहीं yeah. आओ फे yeah, मुझे राहत काजमी ने एक बात बताई hmm. थी हम लेक्चर ले रहे थे उनसे तो उन्होंने बोला था कि आप हमेशा ना अपना आपको जहाँ पहुँचना है जहाँ भी आपने अपने आप को देखा है कि मुझे यार मुझे एक लैम्बर खरीदनी है ये आपकी एक एम है तो आप ने हमेशा ना से छोटी वाली गाड़ी अपनी एम बनाएंगे okay. खुद से hmm. ताकि आप हमेशा लेने के चक्कर में ज्यादा जाद ज्यादा जाद गाड़ियाँ खरीदते रहे या ज्यादा जाद ज्यादा पैसा जमा करते रहे कि नहीं hmm. यार मुझे वो ना लें जो hmm. आपको चाहिए वहां तक ना पहुंचे जहाँ तक आपको चाहिए ताकि hmm. आप बीच में इतना कुछ सीख लें और इतना उसको हासिल करने के लिए आपने जहाँ वो हासिल कर लिया जो आप चाहते थे ना वो आपका स्टॉप लग गया फिर देर इज नो वे आपका वो स्टॉप लग गया और आप वहाँ बस अब बैठे हैं आप आपके पास जिंदगी में मेरे फ्रेंड्स हैं दे हैव मनी दे हैव एवरी अब यार क्या करें हमने तो इतना दुनिया भी घूम ली हमने इतनी चीज़ें भी कर ली अब तो कुछ yeah. है ही नहीं अब वो वेन दे आर लाइक ट्वेंटी सेवन ट्वेंटी सिक्स वो सब दुनिया में करके बैठ चुके हैं yeah. यार अब क्या करें जिंदगी में अब yeah. जैसे मेरी जैसी लड़की है जो स्ट्रगल भी कर रही है जो अर्न भी कर रही है अभी मैंने अभी मैंने और सोचा हुआ कि यार अब मैं एक टर्की घूमी हूँ तो मुझे अभी और घूमना है मुझे और जाना है मुझे काम करना है तो मेरी जिंदगी बड़ी हैपनिंग है कीप 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 हैविंग और कीप लर्निंग थिंग्स सो हमेशा अपने पहुँच से ना थोड़ा सा थोड़ा सा डिस्टेंस रखना चाहिए

ओह oh गॉड मैंने वैसे ना दानिश तैमूर के साथ ड्रामा किया हुआ है वो मुझे बिल्कुल दानिश भाई लगते हैं और uh, मुझे लगता है कि जो पहला काम मैं करूँगी कि वो आई डोंट नो क्या लग क्या होगा ये वैसे अच्छा अगर फर्स्ट मैं आयजा खान बन के उठूँगी पता नहीं आयजा की मैं इतनी बड़ी फ़ैन हूँ मैं देखती रहूँगी अपने शीशे। <laughs> 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 मैं खुश होती रहूँगी कि वाह अमेजिंग ओके अच्छा एहसन खान एहसन खान सबसे पहला काम क्या करूँगी मेरे ख्याल से मैं शो करूँगी और एहसन खान बन के जो इतने मज़े का वो शो कर रहे हैं आजकल हाँ। जिस तरह से वो शो करते हैं मैं वो करने जाऊँगी सबसे पहले ओके okay. इमरान अब्बास इमरान अब्बास सच अ ब्यूटीफुल पर्सन बहुत अच्छे हैं तो इमरान अब्बास गाना बहुत अच्छा गाते हैं अच्छा जी बहुत अच्छा गाना गाते हैं तो मैं सबसे पहले उठ के इमरान अब्बास की आवाज़ में गाना गाऊँगी सजल 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 आई हर आईज उनकी आंखें बहुत प्यारी हैं तो और मुझे आई मेकअप करने का बहुत शौक है तो मैं अपनी ही आँखों में ना मेकअप करूँगी फिरोज खान फिरोज खान फिरोज खान आई थिंक मैं खुदा और मोहब्बत की शूट पे जाके उनका जो कैरेक्टर उन्होंने किया है वो मैं प्ले करना वो जो दरबार में नहीं बैठे पूरा बांध के तो वो मैं एक्सपीरियंस करूँगी ओके ठीक है अच्छा मैं आपको दो तीन सिचुएशन दे रही हूँ और तीन चार नाम दे रही हूँ आपने चूज आपने जवाब देना है कि कौन क्या करेगा ठीक है अगर सेट पे समोसे आ जाएं तो सबसे ज़्यादा कौन खाएगा <laughs> मदीहा इमाम आयजा ख़ान इमरान अब्बास या अली अंसारी मुझे लगता है मैं खाऊंगी अगर मैं सेट पर होंगी क्योंकि मदीहा तो इतनी पीड़ित uh, है वो वैसे बहुत थोड़ा सा खाती है yeah. और uh, बाकी सब डाइट कर रहे होंगे मुझे लगता है मैं खा लूंगी सारे समोसे आई लव समोसा यू लव समोसा आई लव समोसा बड़े वाले आलू के या जी जी कीमा आलू दोनों uh, चिकन एवरी समोसा अरे मुझे मेरे मुंह में पानी आ रहा है अच्छा अगर किसी को इन सब में से किसी को ये सब है इनको गाने का मौका मिले लेकिन तो इनमें से कौन है जो माइक को छोड़ेगा ही नहीं अच्छा ठीक है, है? एहसन खान दानिश तैमूर फिरोज खान एहसन खान नहीं छोड़ेंगे नहीं नहीं वो गाते रहेंगे <laughs> तो वो शो भी करते मज़े -मज़े की करते थे मजे मजे की बातें हैं तो वो माइक नहीं छोड़ने बट क्या वो अच्छा गाते हैं बिल्कुल अच्छा गाते हैं आवाज अच्छी है उनकी ओके गर्ल्स ट्रिप पे गए हैं सब लोग ठीक है कौन है जो स्पा से बाहर नहीं आएगा और कौन है जो शॉपिंग मॉल से बाहर नहीं आएगा और इसमें नाम है मदिया इमाम सजल और इकरा इकरा आई थिंक से वापस नहीं आएंगी <laughs> और uh, शॉपिंग शॉपिंग पे सजल और, और मदिया इमाम रहती हैं अभी मेरे ख्याल से वो लोग दोनों और मैं भी <laughs> <laughs> शॉपिंग में चले जाएंगे और इकरा स्लॉन् जाके अपनी सर्विसेज कराएंगे ओके ओके ठीक है थैंक यू सो मच शामी बड़ा मजा आया आपसे बात करके हमें खुदा और मोहब्बत की बड़े मज़े की कहानियाँ भी सुनने को मिली आपके सफ़र के बारे में भी पता चला बट आज कल नॉट लाइक सीरियल बट आई वर्किंग ऑन दिस कमिंग सीरीज मकफ़ा हर रमजान प्ले जो होता है उसमें okay. मैंने दो तीन एपिसोड्स किए हैं और आई एम वर्किंग समबाउट माई यूट्यूब क्या ये भी काफी। किस चीज़ के बारे में होगा वो Uh, ये होगा कि रिएक्ट्स uh, के बारे में विच इज़ ट्रेंडी जो भी ट्रेंडी होगी तो हाँ. उसमें बैठ के मेरा रिएक्ट होना मेरी मेरी रिएक्शन दिखाना डिफरेंट डिफरेंट सो इसमें मैं uh, सारा हम कंटेंट जमा कर रहे हैं उसके ऊपर काम कर रही हूँ देर इज अ वेब सीरीज इसके बारे में डिस्कशन चल रही है जो ईद के बाद मेरी वेब सीरीज स्टार्ट हो रही है सो हाँ. ओबियसली so, अभी काम भी काफ़ी डिफरेंट हो चुका है क्योंकि वेब सीरीज़ और